हेलो बच्चों, TWS में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 14वां अभ्यास स्टैटिक्स चल रहा है, तो इसमें हम आज 14E के क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें देखिए क्या है, पहले एक नया टॉपिक है आपको हम समझाएंगे, फिर एग्जांपल देके आपको अच्छे समझा देंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली की एक दो क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ये 14E हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए संचयी बारंबारता वक्र या तोरण, इसका नाम है इस टॉपिक का जो आज हम आपको पढ़ाएंगे, इसका नाम है संचयी बारंबारता या देखिए संचयी बारंबारता वक्र या तोरण, इसी को संचयी वक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचयी वक्र। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए थोड़ा समझिएगा अच्छे से। एक हम एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से तोरण बनाना आपको सिखाते हैं। तोरण मतलब ए वक्र, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है 100 छात्रों के प्राप्तांकों का निम्न बारंबारता वितरण से संचयी बारंबारता वक्र या तोरण बनाइए देखिए ध्यान से क्या दिया, 6 छात्रों के प्राप्तांकों का निम्न बारंबारता वितरण से संचयी बारंबारता वक्र या तोरण बनाइए। एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, इसका डाटा दिया है, देखो प्राप्तांक दिया है, इनमें छात्र संख्या। देखिए बहुत ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ये नया चीजें हैं। देखिए प्राप्तांक में दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर क्या है 40 से 50, 50 से 60, इतना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हो गया। और छात्र संख्या 7 है, फिर क्या है 10, 23, फिर क्या है 51 मतलब 51, फिर 6, फिर 3, ये है, ठीक। इनका योग दिया है 100, ये सब हमारे प्रश्न में है, मतलब इतना ये प्रश्न हुआ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, आपके टॉपिक से ही संचयी बारंबारता वक्र, मतलब संचयी बारंबारता वक्र निकालना है, तो इससे हमारा जो पॉइंट है उसी से क्लियर ये होता है कि हमको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या? संचयी बारंबारता, ठीक है। तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या होगा, संचयी बारंबारता हमने पिछली कक्षाओं में आपको सिखाया था कि कैसे आता है, निकालते कैसे हैं, तो उसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। जो बच्चे नहीं देखे होंगे पिछली क्लास को, वो आराम से देखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो जो बारंबारता होता है ये बारंबारता है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है 7, पहला तो ऐसे लिख लेते हैं, और दूसरा क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 17, फिर नीचे वाला किसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 23 जोड़ेंगे 17 में कितना हो जाएगा, होगा हमारा ये 40, फिर 51 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 91, ठीक, फिर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 97, 97 में 3 जोड़ेंगे 100, ठीक है। अंतिम संचयी बारंबारता बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए अब हमको तोरण बनाना है, मतलब संचयी बारंबारता वक्र बनाना है, यही बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए तोरण पर स्थित बिंदु निकालते हैं, तोरण पर स्थित बिंदु। देखिए बिंदु कैसे कंसीडर करेंगे, तोरण मतलब एक ग्राफ टाइप बनेगा, अभी हमको आपको क्वेश्चन में बताएंगे सब कुछ धीरे धीरे कि कैसे ग्राफ बनेगा, कैसे पॉइंट लेंगे। आप लोग क्वाड्रेटिक जो निर्देशांक ज्यामिति है अगर उसको पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिएगा क्या है इसमें, देखिए ये देखो जो प्राप्तांक का उच्च सीमा होता है, ये तोरण हमारा जानते हैं किस प्रकार का है, कम प्रकार का होता है, एक अधिक प्रकार का तोरण होता है, तो ये हम कम प्रकार का तोरण बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए 0 से 10, तो जो निम्न सीमा उच्च सीमा
ये वर्ग अंतराल है, इसमें एक अधिक वाला उच्च सीमा होता है, कम वाला निम्न सीमा होता है। तो जो अधिक वाला होता है वो हमारा यक्ष अक्ष वाला हो जाता है, यक्ष का, और जो हमारा ए संचयी परमर्ता है ये हमारा वाई वाला हो जाता है। ठीक, वाई अक्ष का निर्देशांक, यक्ष अक्ष का निर्देशांक। फिर इसमें देखिए उच्च सीमा हमारा यक्ष अक्ष का और संचयी परमर्ता वाई अक्ष का। ठीक, इसी प्रकार ए देखिए 30 है, फिर का क्या है 40। देखिए दोस्तों क्या है, ये 40 है जो कि वाई अक्ष पे लिखेंगे के लिए होता है। तो एक प्रकार से बिंदु हैं निर्देशांक के, बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको भी हम समझाएंगे। देखिए फिर इसमें क्या है 40, यहाँ 40 लिखिए उच्च सीमा वाला, फिर 91 ये हमारा हो गया, फिर क्या है दोस्तों 50 तो 50 लिखिए, फिर क्या है 97। ठीक, ये क्या है 60 लिखिए, ये क्या है 100। तो इस प्रकार जो तोरण पे स्थित बिंदु होंगे, देखो तोरण बना रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ठीक, देखिए इधर देखिए, ये जो होता है ये x अक्ष वाला होता है, ये y अक्ष पे इंडिकेट करते हैं। आप लोग निशान ज्यामिति पढ़े होंगे, जानते होंगे, ये होता है नीचे वाला x होता है, ये होता है y, क्या होता है दोस्तों y। तो इसमें देखिए अब हम इसी चीज को इस पर दिखाएंगे, तो इसमें देखो डेटाओं को पहले इस पर फिट करेंगे। देखो इसमें देखिए यहाँ पर 23 नहीं होगा, यहाँ पर 30 होगा ये। ठीक, देखिए देखिए ये वाला लिखते हैं ना, जो प्राप्तांक का वर्ग अंतराल होता है उसकी उच्च सीमा इसमें कोटि भुज होता है, और हमारा क्या होता है संचयी परमर्ता क्या होता है कोटि होता है। ठीक, तो दोस्तों इसमें 30 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए, तो यहाँ पर ये 30 रहेगा। ठीक है, तो हम देखिए यक्ष अक्ष के जितने भी भुज हैं क्या हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये है ना। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखो इसको हम इस पर इंडिकेट करेंगे, ऐसा डिफरेंट ले लेंगे इस पे अपने हिसाब से बनाकर। देखिए हालांकि 10-10 का ही अंतर आ रहा है, तो हम लोग 10-10 का ही ले लेते हैं। देखो जहां पर दोनों ही क्रॉस करते हैं यहां पर 0-0 होता है, मतलब यक्ष अक्ष वाई अक्ष, ये हमारा यक्ष अक्ष है। ठीक, ये हमारा क्या है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है। ठीक, एक देखो कम प्रकार का वक्र है, संचयी परमर्ता में दो प्रकार का होता है, एक कम प्रकार का होता है, एक अधिक प्रकार का होता है, तो ये हम कम प्रकार का बता रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा आप लोग। अब क्या करेंगे, इधर देखो इसको हम दर्शाएंगे, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो 100 तक है, 100 तक नहीं है लेकिन हम मान लिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, अब देखिएगा वाई एच पे मैक्सिमम कितना जा रहा है, 100 तक जा रहा है, तो आप कोशिश करिएगा 100 से अधिक ही बनाने का, और मिनिमम 100 तक होना चाहिए इस पे। 10, 20 का ले रहे हैं, नहीं 10 अगले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर और लेते हैं, यहाँ क्या है 100 है, ये हमारा वाई एच है। देखिए कैसे वक्र बना रहे हैं इसको ध्यान समझिएगा, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, यहाँ से स्टार्ट है मान लो। ठीक, 10, ये हमारा 0। ओके दोस्तों, अब देखो बनाएंगे, देखो तो तोरण पे स्थित बिंदु कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तोरण बिंदु, तोरण बिंदु बिंदु क्या है, पहला है 10 और 7, दूसरा क्या है 20 और 17, ये 20 है 20 और 17, तीसरा क्या है 30 और 40, और चौथा क्या है 40 और 91, और क्या है 50 और 97, फिर क्या है 60 और 100। इतने ये बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं को इस पर हम दर्शाएंगे। देखिए क्या करेंगे, दर्शाएंगे, देखिए पहले दर्शाना सीखेंगे हम लोग। देखिए क्या है भुज पे, भुज मतलब यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष पे क्या है 10 है, तो 10 कहाँ है यहाँ, और वाई अक्ष पे क्या है 7, तो 7 पर ले जाएंगे, अगर 10 यहाँ है तो 5 यहाँ होगा और 6 7, 7 यहाँ है, दोनों को मिलाइए
तो ये त्वरण बिंदु होगा जहां दोनों मिलेंगे त्वरण, 10 वाला और 7 वाला, देखिए 10 वाला इधर से 7 वाला इधर से ले जाएंगे, दोनों जहां मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारा त्वरण बिंदु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 और 7। इसी प्रकार सबको 20 और 17, 20 यहाँ है 17 कहाँ मिलेगा, लगभग यहाँ मिलेगा। ठीक, तो दोनों हम क्या करेंगे ऐसे ले जाके मिला देंगे। ठीक, एक ए पॉइंट का हो जाएगा त्वरण बिंदु हमारा 20 और 17। ठीक, इसी प्रकार 30 है, फिर क्या देखिए 30 और 40, 30 एग्जैक्ट है तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ से 30, ठीक यहाँ से 40, ए मिलाइएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा है 30 और 40। फिर क्या है त्वरण बिंदु में 40 और 91, इस पर 30 था अब 40 होगा, 40 और 91, 40 यहाँ है, 91 कहाँ मिलेगा इधर, यहाँ से ले जाइए 40, सीधे सीधे कोशिश करिएगा जाने का, ये क्या हो जाएगा बच्चों 30 और सॉरी 40 है ना, हाँ 40 और 91। ठीक है, इसके बाद क्या है 50 और 97, 50 यहाँ है और 97 कहाँ मिलेगा 100 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे 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 ले जाइएगा। ठीक, तो देखो मैं डाटेड बना रहा हूँ, मतलब इस चीज़ों को इसलिए बना रहा हूँ कि सीधे सीधे वहाँ पर मैच करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बिंदु, ये देखो त्वरण बिंदु है, ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 50 और 97। ठीक, और लास्ट में क्या है 60 और 100, तो 60 यहाँ है और 100 क्या है ऊपर थोड़ा सा, तो इसको ले जाएंगे। देखिए ऐसे ही बनता है दोस्तों, आप कोशिश करिएगा अच्छे से बनाने का। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट लास्ट वाला 60 और 100। ठीक, तो ये हमारा संचयी वक्र है, तो इसको देखो मिला लेते हैं, इसको जीरो से स्टार्ट करके, देखिए इसको जीरो से स्टार्ट करिएगा। ठीक, फिर जहाँ जहाँ ये त्वरण बिंदु है वहाँ वहाँ मिलाइए ऐसे, फिर ऐसे, फिर चलते जाइए ए ऐसे, फिर देखो फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, हैंड से खींचना है, कोई स्केल नहीं लगाना है, देखो इसको नहीं लिखना है, जो हम डॉटेड बनाए हैं आप ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप मिटा भी सकते हैं, मतलब पेंसिल से करिएगा, कोशिश करिएगा आप लोग जब त्वरण बनाइएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा संचयी वक्र बनेगा। ठीक है, ये हमारा कम प्रकार का है, दो प्रकार के वक्र होते हैं संचयी वक्र, एक कम प्रकार का होता है एक अधिक प्रकार का होता है, तो ये हमारा क्या कैसा है कम प्रकार का। ठीक, कम प्रकार में ध्यान दिए हैं कि उच्च सीमा लिए हैं, अधिक प्रकार में क्या होता है निम्न सीमा लेते हैं, संचयी बराबर तक उल्टा लेते हैं, हम समझाएंगे। ये हमारा था क्या था कम प्रकार का संचयी बराबरता वक्र था। ठीक, तो एक प्रकार इससे क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला देखते हैं, देखो अब दूसरा प्रकार है अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार, अधिक प्रकार, इसमें डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में कि अधिक प्रकार का वो संचयी वक्र खींचिए। ठीक है, क्या है अधिक प्रकार का वक्र, देखिए देखिए एग्जांपल से समझाते हैं आप लोग को, देखिए एग्जांपल लिखते हैं फिर उसी हिसाब से समझा देंगे। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। देखिए प्रश्न है दोस्तों, ध्यान समझिए क्या बता रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, देखो मान दिया है, मान इसमें वर्गंतराल दिया है, फिर क्या दिया बारंबारता। ये प्रश्न दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से
पच्चीस से तीस। देखिए इसमें जितने भी मान हैं सब रखते हैं, ये 17 है बारंबारता, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है 26, फिर क्या है 42, फिर क्या है 34, फिर 38। ठीक, संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता निकालते हैं, बताए हैं 17 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 37, जोड़ देंगे 37 हो जाएगा ना, 37 26 जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3 हासिल लगा, 1 3 2 5 1 6 63, तो इस समय 42 जोड़ेंगे तो 5 105, फिर 34 जोड़ेंगे तो देखिए 34 जोड़ेंगे तो 9 139, फिर 38 जोड़ेंगे तो 167। ठीक है, देखिए संचयी बारंबारता निकाल लिए, लेकिन अधिक प्रकार का है वक्र बनाना, तो अधिक प्रकार के लिए तोरण पर स्थित बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको उल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं उल्टा, इसी चीज को उल्टा, संचयी बारंबारता को उल्टा लिखेंगे। देखिए 167 है, 167 लिख लेंगे, ठीक दोस्तों, फिर क्या करेंगे 167 में से क्या करेंगे 17 को घटाएंगे, किसको 17 को, देखो उल्टा लिखने का मतलब जब लिखेंगे तो इधर आएंगे तो कम होता जाएगा, देखो पहले इसको लिखेंगे फिर इसकी बारंबारता में से 17 को घटा देंगे, देखिए घटाएं 17 क्या होगा, हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा 150, अब 150 में से फिर 20 घटाइएगा तब यहाँ लिखिएगा, 20 घटाएं तो क्या हो जाएगा 130, अब 130 में से 26 घटाएंगे कितना हो जाएगा 104, अब 104 में से देखो 104 में से 42 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 42 को घटाएंगे 104 में से तो 62 हो जाएगा, अब 62 में से 34 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 30 हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, एक प्रकार से इतना हो जाएगा, 28 तक रुक जाएंगे हम लोग। ठीक, देखिए अब इसमें क्या होता है, इसको लिखेंगे संचयी बारंबारता का उल्टा, ठीक, संचयी बारंबारता का उल्टा, एक प्रकार से आप लोग समझिएगा, जब भी अधिक प्रकार का निकालेंगे तो हम संचयी बारंबारता का उल्टा करेंगे, इसको उल्टा लिखने के बाद, पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो उल्टा लिखने के बाद कम से बारंबारता को घटाते 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 करते नीचे तक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए तोरण पर स्थित बिंदु निकालेंगे, इसको निकालना जरूर है, तोरण पर स्थित बिंदु, इसको निकालना जरूरी है, यही तो काम करता है हमारा। देखिए 0 से 5, तो अधिक प्रकार में क्या होता है, कम प्रकार में क्या होता था, हम अधिक वाला लेते थे, लेकिन जब अधिक प्रकार का आ जाए तोरण बनाना तो ये कम वाला लेंगे, तो 0 और 167, 0 167 ये वाला उल्टा वाला लेंगे। ठीक, फिर कहेंगे 5 और 150, 5, 150, ठीक, और क्या है, फिर है दूसरा हो गया, तीसरा 10 130, 10 130, ये सब बिंदु हैं, फिर क्या है 10 के बाद, फिर इसमें आइए 15 को हम वाला लेंगे, निम्न सीमा वाला लेंगे, देखो हम डॉटेड कर दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा, ये निम्न सीमा वाला ही लेंगे, 15 के सामने 104, 15 104, फिर क्या क्या लेंगे 20 62, फिर क्या लेंगे 25 25 25 के पर 28, एक देखिए 30 बच रहा है, 30 तक हमको जाना है, तो जब 30 लेंगे 30 वाला लेंगे तो इसके आगे कोई है 30 से अधिक, अधिक प्रकार का है 30 के आगे 0, मान लीजिएगा 0, ठीक, क्योंकि 30 के आगे कोई डेटा है ही नहीं हमारा मान में, तो क्या करेंगे 30 में जो संचयी बारंबारता है 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, देखिए भुज में कितने मिले हैं 0 5 10 15 20 25 30, ठीक है, और इसमें क्या मिले हैं 167 150 130 104, फिर 28 0, तो ये क्या करेंगे हम इसको उसी हिसाब से अपने क्रिएट करेंगे, इसको क्रिएट करते हैं, ये हमारा x अक्ष होता है, ये होता है y अक्ष। ठीक, देखिए हमको यहाँ 30 तक जाना है तो हम ले लेते हैं 5 5 5 10 15 20 25 30, 5 10 15
बीस पच्चीस तीस हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे इसमें कहाँ तक जाना है, एक सौ सड़सठ तक जाना है, तो हम क्या करते हैं बीस बीस का अंतराल लेते हैं, बीस चालीस साठ अस्सी सौ एक सौ बीस एक सौ चालीस एक सौ साठ एक सौ अस्सी ठीक है। देखो ऐसे ले लेते हैं, ये होगा बीस चालीस साठ अस्सी सौ एक सौ बीस एक सौ चालीस एक सौ साठ एक सौ अस्सी ठीक है। इस प्रकार से ए हुआ ठीक। अब क्या करेंगे सभी पॉइंटों को दर्शाएंगे, जीरो एक सौ सड़सठ कहाँ मिलेगा, एक सौ सड़सठ का मतलब सत्तर के आसपास, तो देखो साठ और अस्सी के बीच में एक सौ सड़सठ मिलेगा और जीरो हमारा यही हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा जीरो और एक सौ सड़सठ। निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे तो भली भांति जानते होंगे कि कैसे बिंदुओं को दर्शाया जाता है, इसको जानने के लिए आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना होगा, कक्षा नौ में भी था अब दस में भी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या है पाँच और पचास, देखिए पाँच ये है पचास कहाँ मिलेगा, एक सौ पचास कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा लगभग, तो पाँच के सामने और पचास, ये हमारा क्या हो जाएगा पाँच और एक सौ पचास ठीक। ये दूसरा पॉइंट है, तौर पर स्थित बिंदु यही है ठीक है, इसे मिलाएंगे अभी लास्ट में ऐसे खींचेंगे ठीक। फिर क्या है दस और एक सौ तीस, दस ये है एक सौ तीस कहाँ मिलेगा, एक सौ तीस हमारा यहाँ मिलेगा, तो दस कहाँ मिलेगा ये इधर ठीक, दस और एक सौ तीस, दस एक सौ तीस ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। अब देखिए क्या है पंद्रह और एक सौ चार, पंद्रह ये हो गया एक सौ चार, एक सौ चार हमारा इधर मिलेगा सौ के आसपास, ये पंद्रह ठीक, ये यहाँ पर थोड़ा बिंदु मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा पंद्रह और एक सौ चार ठीक। उसके बाद क्या है बीस और बयालीस, बीस और बासठ, बीस यहाँ है और बासठ कहाँ मिलेगा ये इधर ठीक है, ये हमारा क्या है बीस और बासठ ठीक। उसके बाद क्या है पच्चीस और अट्ठाईस, पच्चीस यहाँ है और अट्ठाईस कहाँ मिलेगा इधर कहीं, तो क्या करेंगे यहाँ कर लेंगे पच्चीस और अट्ठाईस ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों तीस और जीरो, तो तीस तो यहाँ हो जाएगा लेकिन जीरो इसी पे हो जाएगा, अगर वाई अच्छा जीरो है तो एक्स पे रहता है, यदि एक्स अच्छा जीरो है तो वाई पे रहता है वो पॉइंट ठीक, तो सभी हमारा क्या हो गया तीस और जीरो। अब इसी को दोस्तों क्या मिलाएंगे, मिला देंगे सबको, जो तोरण बिंदु है सभी को फ्री हैंड मिला देंगे, ये हमारा हो गया, ये अधिक प्रकार का है, किस प्रकार का अधिक प्रकार का संचयी वक्र ठीक है, संचयी बर्मरता वक्र। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का ऐसे हो गया ठीक है, आपको भली बात ही समझा दिए हैं कि संचयी बर्मरता निकाल के इसका उल्टा करेंगे, देखो पहले बर्मरता है संचयी बर्मरता निकाले, फिर उल्टा किए नीचे वाला ऊपर लिख दिए, फिर क्या करेंगे इसको माइनस करते जाएंगे, इसको माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, और लास्ट वाला जो डेटा था उसके लिए हमने जीरो ले लिया, क्योंकि तीस से अधिक कोई नहीं है, अधिक प्रकार का है। तो इस प्रकार से हम अधिक प्रकार और कम प्रकार दोनों सिखा दिए आप लोगों को। तो अभ्यास का एक क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद अपने प्रकार अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न ऐसे हैं अधिक लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, अधिक लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, सब चीज़ वो एक ही चीज़ करना है बार बार हमको। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्रश्नावली चौदह ई का, ये दोनों जो क्वेश्चन अभी कराए हैं ये मतलब एग्जाम्पल से था, इसी अभ्यास का एग्जाम्पल से था ठीक। अब क्या करेंगे हम प्रश्नावली चौदह ई का एक क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद अपने से आप लोग कर लीजिएगा ठीक। देखिए बच्चों देखिए ऐसे ही बनता है, कोई हवा नहीं है, आप लोग घबराइएगा नहीं, इसमें बहुत सिंपल तरीके से यही है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन, ये चौदह ई का क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन ठीक है, चौदह ई का क्वेश्चन नंबर वन है। इसमें क्या है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है ठीक। इसमें दिया है दैनिक आय, एक खाने में दैनिक आय रुपयों में, किसमें है रुपयों में, और क्या है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों
की संख्या है। ठीक है बच्चों, यदि आप प्रश्न, अभी हम प्रश्न लिख रहे हैं 100 से 120 क्या है, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, फिर 180 से 200। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हो गया। इसमें दिया श्रमिकों संख्या 12, 14, 8, 8 दिया है, उसके बाद क्या दिया 6, फिर 10। ये दिया है, क्या दिया है, बारंबारता। ये श्रमिकों की संख्या जो है ना, ये बारंबारता है, प्रकार से बारंबारता। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, संचयी वक्र खींचना है, तो संचयी बारंबारता चाहिए, तो संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसमें हम वक्र बनाएंगे तो कम प्रकार का बनाएंगे, कम प्रकार का। अभी तो बताएं आप लोग को ना, दो प्रकार का होता है, एक कम प्रकार का होता है, एक अधिक प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन में हम कम प्रकार का वक्र बनाएंगे। आप एक ही क्वेश्चन को दोनों प्रकार से बना सकते हो, कम प्रकार का भी, अधिक प्रकार का भी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप लोग को समझा दिए हैं प्रश्न में, आप लोगों को बता दिए हैं कि कैसे था, पिछला क्वेश्चन में बताए थे। ठीक, तो देखिएगा, देखिए इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं दोस्तों। संचयी बारंबारता क्या, 12 है, 12 में 14 जोड़ेंगे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 34, 34 में 6 40, ये क्या हो जाएगा 50। ठीक, देखो ये क्वेश्चन दोनों था, फिर संचयी बारंबारता निकालें, इसके बाद क्या निकालेंगे, तोरण पे स्थित बिंदु, जो बिंदु हम x अक्ष वाला, y अक्ष वाला निकालते हैं, वो क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे। देखो, तोरण पर स्थित बिंदु, देखिए दोस्तों, कम प्रकार में अधिक वाला लेते हैं, ये जो वर्ग अंतराल है इसमें अधिक वाला 120, और क्या लेंगे, संचयी बारंबारता 12, 140, 26, ठीक है, 160, फिर 34, फिर क्या लेंगे 180, फिर 40। ठीक, फिर क्या दोस्तों, फिर 200 है, फिर 50। ठीक, तोरण पर स्थित बिंदु हो गए, क्या हो गए, तोरण पर स्थित बिंदु। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इसी चीज को हम तोरण पे दर्शाएंगे। देखिए तोरण बनाते हैं, तोरण बनाने के लिए सबसे पहले x और y दो अक्ष सीधे सीधे खींच लेंगे कोशिश करके। ठीक है, ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, मानिए अगर सीधा है, टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक दोस्तों, ये क्या है हमारा x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 होता है, क्या होता है 0 0, यहाँ पर दोनों अक्ष काट देते हैं, वो 0 0 होता है। यहाँ पर देखो मिल रहा है x अक्ष, और इधर से y अक्ष मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 0 दोनों। ठीक है, 0 0 पॉइंट। अब देखिए इन बिंदुओं को इस पर दर्शाएंगे, देखिए 120, 140, 160, 180 ऐसे चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे 110 से स्टार्ट कर लेते हैं। 110 अपने से मान के इस पर लिख लेंगे कि ये बिंदु कहाँ तक आएगा, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 80, 90, 100, 200। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 110, 120, 130, 140। तो यही सब डेटा लिखने में टाइम लगेगा, ये काम आपको करना ही पड़ेगा जब मार्क्स पाना है तो, केवल एग्जाम में आएगा आपके, कंपटीशन में मिलता है, लेकिन ये सब वक्र के ग्राफ वाले क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट वक्र बनाने के लिए नहीं मिलता, उसमें केवल ऑप्शनल रहते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें डेटा किस में वेरी कर रहा है, देखो 12, 26, 34, 40, 50, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 50, 10 10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, मैक्सिमम 50 तक है, तो हम लोग बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, तो अब इसमें क्या करिए, अब बिंदु, तोरण बिंदु बनाइए। देखिए पहला क्या है, 120 और 12 है, 120 कहाँ है, यहाँ पर, और 12 हमारा ये मिलेगा लगभग 10 के ऊपर थोड़ा सा। ठीक, तो ये हमारा बिंदु मिलेगा, तोरण बिंदु यहाँ मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या है दोस्तों, 140 और 26, 140 यहाँ है, 26 कहाँ मिलेगा, थोड़ा यहाँ,
कोशिश करिएगा आप लोग बनाने का। आप लोग कॉपी पे बनाइएगा तो पेंसिल वेंसिल स्केल का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमारा क्या मिलेगा 140 और 26, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है 160 और 34, 160 कहाँ है, 160 यहाँ है, 34 मिलेगा 30 के ऊपर, ठीक। 160 के सामने मिला दीजिए तो यहाँ पर हमारा तोड़ बिंदु मिलेगा, ये क्या है 160 और 34, ठीक। उसके बाद क्या है 180 और 40, 180 यहाँ है और 40, तो कहीं डॉटेड जो मैं खींच रहा हूँ कल सीधे होने के लिए, मतलब सीधे जाए इसमें मिले सीधे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको हम खींच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 180 और 40, देखिए लंबे लंबे प्रश्न हैं, आप लोग इसको समझिएगा। अब क्या है दोस्तों 200 और 50, 200 और 50, 50 के सामने से लीजिए, फिर क्या करिएगा 200 के सामने से, ठीक। अब दोनों को जहाँ मिल रहा है वहाँ पर हम बनाइए, तो क्या हो जाएगा ये 200 और 50। देखिए सभी तोड़ बिंदु मिल गए, जो जहाँ पर देखो काला काला है डॉटेड जहाँ बनाए हैं उसी को मिलाना है। ये जो डॉटेड खींचे हैं इसको तो मिटा सकते हो आप लोग, केवल इसलिए खींचे थे कि सीधे सीधे जिसका है उसके सामने मिल जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग नहीं बनाएंगे तब पर भी कोई समस्या नहीं है, ठीक दोस्तों। अब क्या करेंगे, ठीक, अब इसको देखो मिला देंगे, कहाँ से स्टार्ट है 120 से, 120 से ले जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर हमारा ये ऐसे, ठीक है। देखो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। तोरण क्या है, कम प्रकार का है, कम प्रकार का संचयी, संचयी बारंबारता, बारंबारता वक्र, ठीक है। इसी चीज़ का अधिक प्रकार का भी बना सकते हैं, अधिक प्रकार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो इसका है इसको मतलब जो ये संचयी बारंबारता है इसको उल्टा लिखेंगे, 50 से स्टार्ट करेंगे और घटाते घटाते नीचे तक आएंगे और इसमें क्या करते हैं निम्न सीमा लेते हैं। देखो दोनों चीज़ों में केवल एक डिफरेंट है, अधिक प्रकार और कम प्रकार में दोस्तों केवल एक डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, डिफरेंट यही है कि जब कम प्रकार का बनाते हैं तो उसमें उच्च सीमा लेते हैं, उच्च सीमा हमारा एक से छः वाला होगा, इसको बोलते हैं भुज। और जब हम अधिक प्रकार का वक्र बनाएंगे तो इसमें नीचे वाला लेंगे, कम वाला, ठीक। तो देखिए मैं 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से करवा दिया हूँ जब इसको समझा रहा था, मतलब इसको भी जो समझाया इसमें 2 एग्जाम्पल बताएं, ठीक। तो एक उसमें एक कम प्रकार का पहला बताया, फिर उसके बाद अधिक प्रकार का बताया, फिर ये हमारा 14E का एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही सभी प्रश्न लग रहे हैं, सभी जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें ऐसे ही सभी क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक। केवल ऐसे डेटा लिखना है जैसे अभी बताएं उसको वैसे वैसे प्रोसेस करना है, उसके बाद आप सॉल्व करके तोड़ बिंदु निकाल के ऐसा खींच कर फिर ऐसे ऐसे पॉइंट रख के अपना कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि 14E समाप्त हो गया। अगर और भी क्वेश्चन है, किसी और क्वेश्चन कोई समस्या रहेगा तो आप लोग बताइएगा, हम उसको करवाएंगे, फिर से करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनको शेयर करिए, और अधिक से अधिक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, और कहीं भी समस्या होगा वीडियो में कि यहाँ पर दिक्कत है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।